Hi guys, welcome back to Class of Planning. You have Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about the complete discussion of the paper BEG 102. Now what we need to do, what concepts kya honge, kin cheez ko clear karna hai, kya kya cheez hai, and why this paper is known as one of the lengthiest paper for English honors for the English students. Let's discuss. First of all, we need to clear the structure of the modern English. What does it mean, the structure of the modern English? It's all about the basic aspects that we do have in a language. The language is talking about an English language here. So, यहाँ concept को समझना जरूरी कि क्या है, उसकी proceeding क्या है, formation में क्या ध्यान है. अब आप formation को पढ़ते हो, किन-किन चीजों को ध्यान रखेंगे. Let's start the first thing we are having, the phonetics and phonology from the block 1. तो पहले देखो phonetics और phonology है क्या. एक कहता है structure of language, words को कैसे form किया गया. दूसरा the pattern we use to say that particular words. That means how to pronounce that particular words. उनके concept क्या होंगे, किन चीजों को clear करेंगे. And in these, we do have details of work, such as the vowels and consonants. These are not the just the 5 vowels out of 26 and the remaining all the consonants. So we need to clear the concept that we are talking about here, the pure vowel, the vowels, the tongue and consonants. And the pure consonants, sare ke sare padne. Same cheeze humne nahi padhi. Articulation, concept, language kaise form hoti hai, language ke kin steps ko jana zaruri hai. Wo sare discussion is phase ke andar hai. So when somebody is talking about the phonetics or phonology, it's all about the detailed science of language or the formation of words. Pura ka pura padhna hai aapne. Wo kaise sum up hua, uska concept kya hua, kin kin cheezon ko add on kiya gaya. Then we come to the next one, phonetics and phonology number 2. So yahan pe main metric diya gaya word stress pe. Word stress, agar aap bolo syllable, syllable ko do parts mein baantte hain. Matlab main kisi word ko stress karta hu. Longer, larger. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका. आप कह रहे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेजर थिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर. तो यहां हमें को वर्ड स्ट्रेस, एक वर्ड होता है स्ट्रेस, एक होता है अनस्ट्रेस्ड, जिसे बोलते हैं स्लेबल. स्ट्रेस स्टेबल और अनस्ट्रेस्ड स्टेबल. अब स्टेबल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना जरूरी है. ये सारी चीजें मैंने डिटेल नोट्स में दी हुई है, आप उसको तसली से पढ़ सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां क्लियर होंगे. वेरियस अगर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप लोग वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और टॉपिक्स आते हैं ऑन माय चैनल. जो नहीं मिलते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए. देन हियर वी आर हैविंग द वर्सेस रिदम एंड इंटोनेशन. व्हाट इज रिदम? से एक पैटर्न होता है लैंग्वेज का जिसको हम फॉलो करते हैं. आपने का पैटर्न, आई हैव ऑलवेज गिवन स्ट्रेस व्हाइल मेकिंग माय क्लासेस टू एबीसी. मैंने कहा रिदम को फॉलो किया और एबीसी को, दैट्स द एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी. थोड़ा धीरे बोलते हैं बच्चे, बोल बोलते हैं सर आप बहुत तेज बोलते हैं. तो रिदम, फॉलो अप द वर्ड्स, आप वर्ड्स को कैसे फॉलो करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट इनको क्लियर करना है, तो ये हमें आना चाहिए. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो दिमाग में रखनी है वो है रिदम. रिदम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. पोएट्री में रिदम फॉलो किया जाता है, राइमिंग स्कीम फॉलो करते हैं. अगर आप याद हो ए बी ए बी ए बी सी ए बी ए सी, ऐसी राइमिंग स्कीम होती है हमारे पास. सो फर्स्ट वर्सेस, पहले वर्सेस की बात की, दोबारा बात करते हो स्लेबल की बात करूं. स्लेबल में हमारे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल होते हैं, उनको क्लियर करते हैं. अब एक वर्ड और एक स्लेबल में वर्क है. आप जैसे बोलते हैं क्लोज, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, पढ़ने वाले आगे सारी डिटेल आएगी. यहां अगर बोलू ये पेपर पूरा समय में बेसिक ग्रामर का, जो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, उन चीजों को हाईलाइट किया जो पहले हमें नहीं पढ़ी गई. मतलब हमें जो बताया गया वो बहुत लिमिटेड था, या पूरा स्कोप में डिटेल में बताया गया. Then we are having the intonation. Intonation, every language have two intonations. Intonation, the pitch that is being used while speaking something. कई बार सब बोलते हैं तो आप कहते हैं high pitch use करते हैं. इसको दो बोलते हैं, एक rising pitch, एक lowering pitch. एक में हमारी आवाज बढ़ जाती है, दूसरी आवाज नीचे आती है. तो आप बोलते हैं intonation, the use of words that make you understand the certain importance of vitality of the certain words. That is intonation. अब intonation को क्या पढ़ते हैं, intonation बोले या intonation बोले, it's all up to you guys. Everybody have a different pronunciation. It's not that whether I mean saying that is intonation or somebody says intonation. It's all been vary. But the concept must be clear. कि आपका concept क्या, आप कैसे उसे use करें, वो किस तरह चीजों को explain करते हैं. तो ये थे first two blocks जिनको हमें clear करना था, जिनमें vowel को पढ़ा, consonant, vowels make diphthongs, pure vowel, consonant sounds को पूरा clear करना guys. ये paper definitely आएंगे. Then we do have the words as rhythm and intonation. Now comes to the next two, that is morphology. जब morphology को add करते हैं तो मैं आप बोलूँगा आप इसके साथ lexical, label, concept को clear करना.
वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़ते हैं, दीज ऑल आर द वन पार्ट, सारी चीजें एक साथ आती हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आता है वर्ड एलिमेंट। व्हाट इज वर्ड एलिमेंट? किसी वर्ड को बनाने के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं उनको बोलते हैं वर्ड एलिमेंट्स। तो वर्ड एलिमेंट में क्या क्या है, उसके स्कोप क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर एट वंस। इसके लिए इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना है, वर्ड का पूरा चार्ट जिसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया जो हमें डिटेल बताएगा। एंड देन वी आर हैविंग द इंफेक्शन मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? पहले क्लियर करते मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मॉर्फोलॉजी कैसे बोलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हैं, साउंड स्टडी ऑफ साउंड, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, द वे वी प्रोनाउंस उन वर्ड्स की फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पार्ट है लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का। स्टेप बाय स्टेप स्टडी इज द की टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, वर्ड कंपाउंडिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन। डेरिवेशन क्या होता है, मतलब एक वर्ड कैसे क्रिएट किया गया, मतलब बोलते हो सर बॉलिंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, बॉलिंग्स को क्लियर किया, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया, आप बोलते हो सफिक्स प्रीफिक्स उनके कॉन्सेप्ट किन चीजों को एड ऑन किया गया, कहाँ से उन चीजों को लिया गया और कैसे एक नया वर्ड फॉर्म हुआ, वो यहाँ क्लियर करता है वर्ड कंपाउंडिंग, वर्ड्स को जोड़ने पे, और देन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। ये दो चीजें काम करती हैं हम लोगों के, मतलब व्हेन आई गो फॉर दिस। तो क्या होता है कई बार बच्चे मेरे को बार बार मैसेज आ रहा, तो आज वीडियो बनाने का रीजन यही था कि सर प्लीज आप बताएं कि इसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा, हाउ आर गाइस गोइंग टू क्लियर ऑल दिस। तो गो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ गाइस गो स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को तसल्ली से पढ़ना आपने, एंड मेक श्योर व्हेन यू रीडिंग तो आप एक एक चीज को क्लियर करें, एंड मेक अ स्ट्रेटजी, अ प्लान, ये सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है। तो आपको जब तक पहला क्लियर नहीं हुआ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डोंट स्किप द सर्टन पॉइंट्स, किसी ब्लॉक को छोड़ के जंप मत करें, सारे के सारे इंटरलिंक्ड है, तो कहीं भी अगर आपने छोड़ दिया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हमारे हुए वर्ड एलिमेंट्स, इंफेक्शन मॉर्फोलॉजी, देन डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, वर्ड कंपाउंडिंग, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। देन कम टू नेक्स्ट वन, कहते हैं स्ट्रक्चर नंबर वन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वेदर इट्स वन और टू, दोनों चीजें क्लियर करते हैं सेंटेंस। अच्छा आपसे छोटी सी बोलता हूँ, व्हाट इज माय सेंटेंस? A group of words makes a sense. No, a group of words which makes a complete sense. I repeat my word, a group of words which makes a complete sense is a sentence. Or agar wo hota group of words which makes a sense, that is a phrase. Phrase aur sentence mein jo fark hai wo complete ka hai. Wahi yahan padhne wale, sentence making, sentence ke concept, phrase, subject, predicate, concept, subject, verb, agreement, all those basics जो हमने बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश क्लास में पढ़े थे वो सारे के सारे यहां क्लियर किए जाएंगे और पूरी तरह से। तो यहां आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर वन, सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स में क्या क्या है, किन किन कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप छोटे कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर हम बात करते हैं सिर्फ उसे वर्ब की, तो वर्ब भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट दो से चार दिन ले जाएगा आपको समझाने में। Verb is not all alone, खाली verb अकेला नहीं है। Verb में हमारे main verb है, helping verb है, auxiliary verbs है, अब main में अलग अलग parts है, then helping verbs में definitely we have plenty, complete tenses come under helping verb, then auxiliary is all modals, सारे के सारे forms को समझना जरूरी। And how we guys are going to get all these at once? तो उसके लिए complete strategy चाहिए, जिस strategy को आप follow करेंगे। And then jump up to the next part, sentence section number two, the adverbs, negative quotients, imperatives and exclamations. It's a type of sentences. अगर आप जनरली क्लियर करते हैं तो हमने पढ़े थे imperative sentences, positive sentences, interrogative sentences, then exclamative sentences. उन sentences को on that study, मतलब हमने बोला पूरी तरह से क्लियर करके चीजों को समझने की कोशिश की। And along with that, we do have one thing. That is a glimpse of the past comes in our mind and उसको आज से join करके concept को क्लियर करना है। एक्चुअली दीज आर टर्म अंडर सेंटेक्स, सेंटेक्स के अंदर आते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देन कम टू लास्ट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, देन वी कम टू कंपाउंड स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सच एज वी हैव द क्लॉज ओवर द सेंटेंसेस। अब सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लॉज? सो एक स्टेटमेंट जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब या प्रेडिकेट दोनों दोस्तों क्लॉज बोलते हैं, अब क्लॉज अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लोज, डेफिनेट क्लॉज अलग होते हैं,
अब उन क्लॉजेस को समझना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑल टूगेदर. देन वी आर हैविंग द टाइप्स कंपाउंड सेंटेंसेस. सेंटेंस व्हेन वी जॉइन टू थ्री सेंटेंसेस ऑल टूगेदर एंड मेक अ कंप्लीट सेंस नोन एज टू बी कंपाउंड सेंटेंसेस. एंड व्हेन अ पर्टिकुलर सेंटेंस हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स कॉमन इन इट, इट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस. सर डेफिनेशन थोड़ा और एक्सप्लेन करते, चीजों एक्सप्लेन करते तो हम बहुत इजी समझ पाते. ये सारी चीजें यहाँ पे नोट्स में पूरी एक्सप्लेन है. वो दैट नोट्स यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दिस समर एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है. जैसे आप पे करते हैं नोट्स मिल जाते हैं. वीडियोस के लिए आपके लिए यूट्यूब है, चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो करें क्योंकि यहाँ सारी वीडियो अवेलेबल है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट बट द मेजर पॉइंट इज नाउन एंड वर्ब फ्रेज. व्हाट इज मीन नाउन एंड वर्ब फ्रेज, क्या है नाउन और वर्ब फ्रेज, कैसे काम करता है, किन चीजों को क्लियर करना जरूरी है एंड हाउ विल गोइंग टू मास्टर इट. द फर्स्ट थिंग रिलेटिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज. सर प्रेपोजिशनल फ्रेज, व्हाट इज प्रेपोजिशन, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, शी इज सिटिंग ऑन चेयर. अगर मैं ओन हटाता हूँ शी इज अ सिटिंग चेयर, ओन हट गया तो सर प्रेपोजिशन इट वर्क्स, दैट वर्क्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है. एज अ टोल यू अर्लियर कि यहाँ बेसिस बताए गए इंग्लिश के जो हम सबको जानना जरूरी है. Then come to the next point, phrase, lexicals, earlier mentioned, auxiliary and phrasal verbs, tenses, dominant hai, aspects and modality. So this is your entire course. अब इस पूरे course को हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, किन चीजों को क्लियर करेंगे, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं होते, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट्स को पूरा करूँ और सॉल्व करके आगे बढ़ पाए. And you guys now can follow me on Insta too by the name of Classy Rahul. Till then, keep watching, like, share and subscribe. You think it's worth to watch. Or, koi bhi doubt hota hai, please be in a comment box. I'll wait for your comment. Bye guys.